हजरत पीर मेहर अली शाह साहब किसी आख्या अखे तुसी दुकान ला के बैठे हैं, दुकान खोल की दिया, ये सब दुकानदारी है खाने पीने आते हैं, दुकाना चमकाई ने पता है पीर साहब के आख्या उन्हें आख्या मेरे को सौदा है वह दुकान खोली है, मेरे को सौदा है ते दुकान खोली है, तेरे को है ते खोल ना, तुझा कुछ मना की पे ते दुकान वो खोलने जिस को सौदा होवे ते फिर सौदे ना पता भी होवे, कोई मंगन आ वजे ते नालू दुए दुकानदार आके हम ये रसम पा दसी। ये गीता में गुफ्तगू नहीं थी, आप अकाबरीन की तर्ज़े गुफ्तगू अगर आप सुनते या अगर आपके सामने वो कोई मिसालें होती तो आप ये अंदाज कभी पसंद न करते। अगर आपके दिल में कुछ भी सुन्नियत के हवाले से दर्द है तो ये पैगाम आप गायबीन तक पहुंचाएंगे। इसीलिए ये आज पाकिस्तान में ये जो हालात हैं, इन हालात में भी आप ये देखें कि जो खानकाएं इस पुरानी फिक्र को, सूफिया की फिक्र को लेकर चल रही हैं या उनके मुतालिकीन इस फिक्र को लेकर चल रहे हैं, उनमें कभी भी तसादुम नहीं होता, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। और अगली जड़ी मैं गल करना मैं पता नहीं सादम होनी कि नहीं, सजदे में गिरो हुस्ने अदा से मांगो, लब से न कहो दिल की सदा से मांगो, पीरों से न मांगो कि ये खुद है मोहताज, पीरों से न मांगो कि ये खुद है मोहताज, जो कुछ भी हो मांगना खुदा से मांगो। पता ही कोई जांच परख है औरों की, ये भी सोचा खुद क्या हो, मैं आख्या जरा सुनो थकते नहीं गए हो, माशाल्लाह भाई ततराल वाले चकवाल वाले बड़े जिंदा दिल और बड़े जौक वाले लोग, शाह साहब बड़ी खुशी हुई है। नारे तकबीर, मैं बड़े जौक वाले ते स्टेज ते कुछ बंदे ना चुस्कने ते ना मुस्कने, ना चुस्कने मैं क्या आख्या ना चुस्कने ते ना मुस्कने, बाद लोगों की तबीयत होनी नहीं यार भाई संजीदा जरा रह, पता लगे असि बहु वे आलम भाई असी बोल सा कफन फाड़ छोड़ सा, आओ मैं उठना तुसी बोलो जिन मैं बोलिया, आओ मैदान भी आदर घोड़ा भी आदर, आओ जिन मैं बोलिया तुसी कोई बोल के दस्या, खुद से चल कर ये नहीं तर्ज सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है, खाली जुबे पाके ते पगा बन के ते दाड़ियां रख के असी ना बैठे असी सब कुछ ला छुड़ा इंगी बोल सा, लिबास के हम मोहताज नहीं है, लिबास हमारा मोहताज है, हम गद्दी के मोहताज नहीं है, हम जहां बैठ जाए वो गद्दी है, समझ आई, इस वास्ते के गद्दी वालों का माल मेरे पास है, ये माल तो सबके पास है, वो अपने आप को माला माल समझते हैं, लेकिन नहीं, जो माल मेरे पास है वो इनके पास नहीं है, मेरे पास ये माल भी है और ये माल भी है और दिल माला माल भी है, मैं सिर्फ पीरजादा नहीं हूं, मैं एक मौलवी और अल्लामे का पोता हूं, जो मौलवी पहले था और पीर बाद में बना, ए जियां पीरियां ते साहबजादगियां मैं जो बेच पाई, इना गल वो कभी किसी से मिलेंगे न दब के हम कभी आसिफ, वो शाह हुस्न सही ताजदार हम भी हैं,
ते मैं ए चीज़ां सारियां समझना ते असा अल्लाह ताला ना फजल है मेरे ते तुसा ते फजल है ते मैंने ते नहीं मैंने ते फजल है मैं दसना पिया तुसी दसो गल्ला करना है और गल्ला करना ते चज नहीं गल्ला करना ना गल सुन अखे जी ए बार खतीब होने ना एवे यही 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 करने रहने चबला मारने ना कोई गल करने नहीं तमीज ना कोई पता असा को भी बड़े न थे समझ आई ना ते खिताबत होर चीज है मां दावा नहीं खिताबत ना मां एक बंदा ने ये गल्ला गप्पा खूब जानना मैं क्या तू बच्चे आले ते बच्चे हैं मेरी को तू पिड़े चा ते मैं सारिया निस्बतां ला छोड़ना प्यो दादियां छोड़ दे नहीं सकना ना मैं गुमनाम होके होर लिबास पा के तेरे सामने आना ते मैं एज ए फनकार तेरे सामने आना तू मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं तू सारिया गल्ला ला छोड़ के मैं पीर मेरे निशा ना पुत्र हाँ या फलाने गद्दी ना मैं वारस हाँ फलाने ना औलाद हाँ सारिया गल्ला तू छोड़ जी ता लिहाज करने तू लिहाज ना कर आ ले मैदान मैंने दादे मेरे ते बड़ी मेहनत की थी है मंजूर बैठा है थे पीछे किथे बैठा है ए बैठा है ए उठे मौजूद है एक किथे और जैनुल आबदीन तालबिलम है किथे वो बैठा है थे नहीं आया मां कार कह गया थे आप कार ही सहन चंगा मैं आवाज पढ़ी गरीब या तालबिलम है किथे रहे अच्छा वो खलता है ए मेरे नाल पढ़ना रहा पांच छह साल की उम्र है असा दोवन काजी साहब गुलाम जिलानी साहब के खानदान ने बैठे तुसी के लगने उन्होंने है जी अरे उन्होंने साहबजादे मां पता नहीं ए यानी मैंने उस्ताद दा तानियत तानियत दे दो शेर गुलाम साहब ने पढ़ने दे दोबारा